देखिए ये हमने पूरे पूर्वी दिल्ली नगर निगम में अभियान चलाया हुआ है डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया से बचाव के लिए। हमारा हर एक हौसला, आज बहन गुंजन ने अपने वार्ड में ये एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम रखा था, इसी तरह हर एक हौसला अपने सभी RW के लोगों को इकट्ठे करके अपने क्षेत्र के जितने भी लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग ये चला रहे हैं ताकि डेंगू चिकनगुनिया से बचा जा सके। ये बहुत ही अच्छी बात है कि शाहदरा साउथ के अंदर एक भी केस डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया का एक भी केस नहीं आया अभी तक। रिपोर्ट शाहदरा साउथ की नील है, सिर्फ शाहदरा नॉर्थ में मलेरिया के केस आए, लेकिन डेंगू और चिकनगुनिया वहाँ पे भी रिपोर्ट अभी नहीं है। ये हमारे लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि भाई खुशी की बात है कि ऐसे ही रहे, मेंटेन रहे। मैम काउंसलर भी जागरूकता अभियान में जुटी है, क्या कहना है इससे, किस तरीके से आप लोगों को जो है जागरूक कर रहे हैं, मैसेज पहुँचा रही है आम लोगों तक कि वो भी जागरूक हो सके। आज सचिन भाई के निर्देशन में हमारे वार्ड में ये डेंगू चिकनगुनिया और मलेरिया के लिए जागरूकता अभियान ऑर्गेनाइज किया गया है। ये बुखार इतना ज़्यादा खतरनाक शायद हो सकता है, पर उससे जुड़ा हुआ जो डर है, जो पैनिक है, वो ज़्यादा खतरनाक है। तो आज इनके निर्देशन में, DHO साहब के संबोधन में काफ़ी लोगों की क्लैरिफिकेशंस हुई हैं कि हर बुखार इन तीनों में से नहीं होता है, और लोगों को ये समझने में, इसके लक्षण पहचानने में एंड ऑफ कोर्स बचाव के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ आज यहाँ सीखा है। जैसा कि कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आज हमने ये जागरूकता अभियान यहाँ चलाया है। टेक अवे के लिए हम लोगों को एक दवाई साथ में दे रहे हैं जो कि कूलर में डाल सकते हैं, ठहरे हुए पानी जहाँ पर भी घर में होता है, वाटर बॉडीज़ हैं या बैम्बू प्लांट्स हैं या कूलर्स हैं उसमें डाल सकते हैं। साथ ही में एक लीफलेट EDMC की तरफ से सचिन भाई के निर्देश पर दिया जा रहा है यहाँ पर, जो हर घर में हमारे यहाँ जाएगा RWA के माध्यम से, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के माध्यम से। हमारा पूरा भाजपा मंडल आज यहाँ आया हुआ है, और भाजपा कार्यकर्ताओं के थ्रू भी ये बात घर घर तक, जन जन तक पहुँचाई जाएगी। आने वाली 15 अगस्त पर अमूलन हर कॉलोनी में ही जाना होगा, तो वहाँ पर सभी के सहयोग से हम इसको हर घर तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारा एरिया थोड़ा सा ज़्यादा उसके अंदर रिस्की जोन में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा पार्क है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है यहाँ मच्छर भी ज़्यादा होंगे, तो थोड़ा हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत यहाँ पड़ती है। मैं यहाँ कुछ अलग दिखने को मिला है, जैसे कुछ तरह का डिस्प्ले यहाँ लगाया गया आपकी तरफ से डेंगू के मच्छर का, उसके अलावा जो है लार्वा भी अलग अलग लोगों को दिखाया जा रहा है, क्या किस तरीके से सब इसी का पार्ट है, क्योंकि मलेरिया का मच्छर अलग होता है, डेंगू का मच्छर अलग होता है, उसके मॉडल्स यहाँ पर, डिस्प्ले मॉडल्स यहाँ पर रखे गए हैं जिससे कि लोगों को उसको पहचानने में थोड़ी सी आसानी हो। हालांकि काफ़ी छोटा होता है, बट थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करें, अपने आसपास अवेयरनेस रखें, तो ये चीज़ हम पहचान सकते हैं। लार्वा की पहचान के लिए हमने लार्वा के सैंपल्स यहाँ रखे हैं, ताकि लोग खुद से उसको देखकर और अपने घर में टंकियों पे, छत पर, ऊपर से नीचे, जैसे हम बोलते हैं कि ऊपर से नीचे आते हुए अब अपना घर चेक करें तो पहचानेंगे, तो हम उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसी के लिए आज ये सब यहाँ पर रखा गया है। हर तरह का पंप हमने यहाँ रखा है, जितने तरह के पंप से स्प्रे किया जाता है एंटी लार्वा का, या जो नालों में स्प्रे किया जाता है, या जो पेड़ों पे स्प्रे किया जाता है, हर तरह के पंप का डिस्प्ले हमने यहाँ पर आज रखा है, लोगों की जानकारी के लिए रखा है कि लोग पहचान सकें उस चीज़ को। नाम बता देंगे, प्रदेश शर्मा विज्ञान में। प्रदेश जी, किस तरह से फ़ायदा पहुँचाता है इस तरह का जागरूकता अभियान? इसमें हम सब लोगों को अवेयरनेस मिलती है, और ये जितने भी अपने घरों में कॉलोनी में पानी स्टोर करते हैं या पौधों में पानी रहता है, उसको सब लोग वो समझाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम होते रहे तो अच्छा है, सबको अवेयरनेस मिलती है। ठीक है बोल सर, एक बार नाम बता दें। जैन साहब, इस तरह का जागरूकता अभियान कितना फ़ायदेमंद होगा रोकने के लिए इस बीमारियों को, डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया जैसी बीमारी? बहुत अच्छी इससे आदमी से जागरूक होते हैं, जैसे कि हम अपनी कॉलोनी में जाएंगे लोगों को बताएंगे तो उसका एक अपने आप पर प्रभाव तो पड़ता ही। हाँ सर, नाम बता देंगे। मैं SC अग्रवाल, मैं योजना व्यापक डॉक्टर हूँ। सर अग्रवाल साहब, इस तरह का जो अभियान है कितना फ़ायदेमंद होगा, आप इस बात को आगे कन्वे कर सके, क्या कुछ नई जानकारी आपको मिल पाया इस तरह के अभियान में? बहुत ज़्यादा नई जानकारी मिली, खास तौर से ये कि अगर लार्वा स्टेज पर ही मच्छर मार देना है, बड़ा होने के बाद उसको मारना मुश्किल है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चिंता की है कि हम ये समझते नहीं हैं, हम मच्छर होने के बाद बच करते हैं, जबकि उन्होंने बताया है कि लार्वा स्टेज पर ही मच्छर